मेरा शादी होके ऑलमोस्ट एक साल होने को आया, लेकिन मेरा बीवी मेरा शादी से पहले मेरा गर्लफ्रेंड था। लेकिन यहाँ पे जितने भी लड़के बैठे उनको पता है गर्लफ्रेंड लोग कितना झिकझिक करता बे। सुबह को झिकझिक, शाम को झिकझिक, सिर्फ झिकझिक करते। लेकिन झिकझिक को मराठी में क्या बोलते? तन तन। क्या बोलते? तन तन। ये गर्लफ्रेंड लोग बोलते तू मेरे को टाइम नहीं दे पाता, तू ऐसे कपड़े काय को पहनता है, तू अपने दोस्तों के साथ क्यों घूमता है। लेकिन महीने के चार दिन ऐसे रहते जब वो ज्यादा तन तन करते। लेकिन बीइंग अ जेंटलमैन अपना ये फर्ज बनता है, अपना ये कर्तव्य बनता है कि उसको तब बोलूं कि तू सारा काम रहने दे, तेरा सारा काम मैं करता हूं। वाह सर, मस्त सर, मंजे इस नंबर। अभी देखो सुबह तंतन कर रही है, शाम को तंतन कर रही है, दोपहर को तंतन कर रही है। जब वो डबल तंतन करेगी तब उसको बोलने का तू रेस्ट कर ले, ये ऑप्शन चला गया। लेकिन जैसे उसको पता चलता है ना कि मेरे जैसा बंदा उसकी सारी तंतन झेल रहा है, तो वो डबल तंतन फिर से स्टार्ट कर देती है। सुबह भी तंतन कर रही है, शाम को भी तंतन कर रही है। ऐसे में उसको क्या बोलने का? चल तेरी माँ की। क्या बोलने का? चल तेरी माँ की। ज्यादा पर्सनल हो रहा है, ज्यादा पर्सनल हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन निकल गया। अभी अपने पास बचे सिर्फ दो ऑप्शन। ऐसे में मेरा बाप मेरे को बोलता है कि तू इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है? मैं बोलता हूँ हाँ, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। अपने को चाहिए पॉजिटिविटी। अभी देखो तुम लोग, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, लेकिन यहाँ पे निगेटिविटी है, इसलिए सी ऑप्शन चला गया। आंसर आ गया बी। रिलेशनशिप टिके ना टिके, आंसर आने को मांगता।